इंडिया, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो आपको क्या चीज सबसे ज्यादा एक्साइटेड करती है? बेबी, लड़का हुआ है या लड़की? शायद ये क्वेश्चन सबके माइंड में ना आता हो, मगर कुछ लोगों के माइंड में जरूर आता होगा। लड़का हुआ तो बल्ले बल्ले, लड़की हुई तो किस्मत खराब। जेंडर इक्वालिटी तो सबके पास है, एंड ये राइट्स होते हुए भी क्यों एक जेंडर को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है? यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल इज मोर देन 700 मिलियन एंड फीमेल मोर देन 600 मिलियन, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का डिफरेंस। मगर क्या आपके माइंड में ये बात आई है, अगर लड़कियों का पॉपुलेशन इंडिया में मेल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा अगर लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाए? Well, इसके लिए you have to watch the video till end and do subscribe India Info for more informative videos. इस बात को आपको अच्छे से समझने के लिए आपको डीप में जाना पड़ेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज होने से एक नुकसान भी है और एक फायदा भी। नुकसान को समझा जाए तो फॉर एग्जांपल ये भारत है और इसका टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट मोर देन 1.4 बिलियन जो कि अभी के टाइम में वर्ल्ड पॉपुलेशन में नंबर 1 में आ चुका है। अगर इसको बैलेंस करके नहीं रखा गया तो फ्यूचर में नई रिकॉर्ड्स की लाइन लग जाएगी। एंड एज वी नो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, एंड किसी भी देश का पॉपुलेशन जितना इंक्रीज होगा एंड उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड कोई भी चीज हद से ज्यादा बढ़ जाए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई इंडिया में 7.14% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। एंड अभी के टाइम में हर किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। पर आखिर क्यों? फर्स्ट इसके लिए आपको पॉपुलेशन के फायदे समझने पड़ेंगे। सीधे सीधे बात की जाए तो यदि कोई कंट्री अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तो अपॉर्चुनिटी चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। यदि बाहर की कंपनी इंडिया में स्टार्टअप करने का इंटरेस्ट दिखाती है, नए नए फैक्ट्रीज कंपनीज बनेंगी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे एंड इसका डायरेक्ट कनेक्शन देश का ग्रोथ से होगा। यदि कोई भी जेंडर का पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो दो डिफरेंट रिजल्ट सामने आएंगे। यदि गर्ल्स का पॉपुलेशन बॉय से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो बात सिंपल है, एक जेंडर की पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है अगले वाले जेंडर को कुछ ना कुछ रीजन से तो सफर करना ही पड़ेगा। जैसे हम सब लोग को मालूम है कैसे लड़कियां लड़कों से आगे निकलते जा रही है, तो बात समझा जाए तो सभी सेक्टर में मेल से ज्यादा फीमेल्स होंगी। अस्पताल गए तो डॉक्टर फीमेल, प्लेन से ट्रैवल कर रहे तो पायलट फीमेल, स्कूल फैक्ट्रीज और बहुत सारे प्लेसेस आपको मेल से ज्यादा फीमेल देखने को मिलेगी। तो क्या आप वो सिनेरियो को इमेजिन कर सकते हैं? यदि ऐसा हुआ तो मेल का क्या होगा? Well, मेल को भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जैसे फीमेल एक टाइम में सफर किया करती थी। एक ऐसा डोमिनेशन देखने को मिलेगा जहां इक्वालिटी राइट होते हुए भी एक ऐसा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा जहां दोनों जेंडर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रेस लगाएंगे। बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर एंड कोई भी किसी को आगे निकलते हुए नहीं देख सकता, तो एक मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। ये बात को हम सभी लोग नकार नहीं सकते। कुछ राइट्स जो अभी तक लड़कियों को नहीं मिले हैं तब उस टाइम पर सभी राइट्स मिलेंगे एंड एक इंडिपेंडेंट लाइफ मिलेगी जहां फीमेल को मेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा ओनली सम केसेस में। दिस इज नॉट अबाउट कौन सा जेंडर सबसे अच्छा कर सकता है। सर्वाइवल करने के लिए तो नेचर ने हम लोग को इस तरह डिजाइन किया है कि सभी जेंडर को एक दूसरे की नीड पड़ेगी एंड दैट्स व्हाई सब कुछ बैलेंस में है, तभी सिस्टम सही से काम कर रहा है, वरना बैलेंस जैसे ही खराब होगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो चलो मिलके सब लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये बात जानने में क्या होगा अगर धरती से सारे आदमी गायब हो जाए, उसके लिए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दो बिकॉज नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक यही है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।